ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है, मैं एक जीपीयू रिग तैयार करने वाला हूँ, तो मैं ले चलता हूँ आपको अपनी जीपीयू रिग की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज फिर एक जीपीयू रिग मैं तैयार करने वाला हूँ। इसमें जो कार्ड यूज़ करने वाला हूँ वो है RX 580 के कार्ड। तो दोस्तों, ये मदरबोर्ड है एसरोक्स H81 Pro BTC। तो दोस्तों, इसमें ये मदरबोर्ड मैंने तकरीबन पहले से तैयार कर लिया है। इसमें मैंने रैम भी लगा दिए हैं और इसमें सीपीयू भी लगा दिया है, सीपीयू फैन भी लगा दिया है, और ये तकरीबन मदरबोर्ड अभी ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद दोस्तों, मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ पावर सप्लाई, वो ये पावर सप्लाई है 1800 वाट की, ये पावर सप्लाई है। तो ये जीपीयू हैं हमारे जो ग्राफिक कार्ड हैं RX 580 के 4GB, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये मैं हार्ड डिस्क यूज़ करने वाला हूँ, SSD की हार्ड डिस्क है ये मैं यूज़ करूँगा। इसमें ये हार्ड डिस्क जो है मैंने यूज़ में ली है इधर भावलपुर से। तो उसके बाद दोस्तों, ये है राइजर, जो नया वर्जन आया है, लेटेस्ट राइजर है, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें। तो ये टोटली मैंने रखे हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं सारे इकट्ठे कर लेता हूँ। ये राइजर है, और अगर आपको मैं कार्ड दिखाऊँ तो ये कार्ड है हमारा, ये RX 580 का जो है ये कार्ड है। यहाँ हमारी पावर आएगी और यहाँ पर जो है हमारा बायो मोड का स्विच है। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, छोटा सा ये स्विच है, देख रहे हैं आप। जब भी हमने ये जो है इसकी बायो मोड करनी हो तो ये स्विच को ऑन करना होता है, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल कर देना होता है। तो ये दोस्तों ब्रांड न्यू है ग्राफिक कार्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रा चेक कर लें। ये हैं ये ग्राफिक कार्ड, उसके बाद ये भी है, ये भी ग्राफिक कार्ड इधर पड़ा हुआ है, ये मैं लगाऊंगा, लेकिन ये दूसरा है RX 580 8GB का है। इनका जो है रिग, ये जो है ये जो कार्ड है इनका एक अलग रिग तैयार करना है, तो इसलिए इनको मैंने साइड पे रखा हुआ है। तो इसके दूसरे जो हैं वो भी हैं कार्ड। तो दोस्तों, ये फ्रेम है, फ्रेम जो मैंने बनाया है, अगर किसी दोस्त ने फ्रेम खुद बनाना हो तो वो ये फ्रेम भी बना सकते हैं। तो अभी ये फ्रेम बिल्कुल तैयार है, इसमें मैं कंप्लीट इसको असम्बल करूँगा, आप देख लें। ये फ्रेम मैंने खुद बनाया है, जो इनकी पैमाइश है ये है जी, ये 72 सेंटी का पीस है, इसका एक पीस चाहिए, और ये जो है ये पीस जो है 76 है इनकी जो पैमाइश, 76 है ये। और उसके बाद ये पीस चाहिए हमें, कितने पीस चाहिए थे, ये 5 पीस चाहिए, ये वाले जो है, ये जो है 5 पीस। उसके बाद ये नीचे मैंने इस बार तकरीबन ये 4 पीस लगाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये वाले जो हैं, ये पीस जो लगे हुए हैं इनमें, ये जो पीस हैं, ये आपको 9 पीस चाहिए अगर आप खुद तैयार करेंगे तो, ये अगर सेम डिज़ाइन से अगर आप तैयार करेंगे तो ये आपको 9 पीस चाहिए। तो ये है जी जो मैंने बना दिया है, इसको फ्रेम को मैंने जोड़ा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये आप ये जो लर है ये आप लेके आएंगे, ये 4 लरें जो आपकी लग जाएंगी इसके ऊपर, 4, ये आप ध्यान रखना, ये 4 लरें लग जाएंगी, 4 में से सिर्फ एक पीस बचेगा इतना सा, उसके बाद ये कंप्लीट आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो ये लकड़ी का फ्रेम है,
तो अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, अगर आपने कारीगर से बनवाना हो तो वो भी आप बनवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब मैं इसको ना जोड़ता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम चालू करते हैं, ऑन करेंगे, फिर देखेंगे ये क्या इनकी प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये जो अभी कार्ड मैं दिखा रहा था ये ब्रांड न्यू कार्ड है, ये डिफॉल्ट सेटिंग में है, इनके जो बायो मोड सेटिंग है वो बिल्कुल डिफॉल्ट है यानी के। तो इनकी जो स्पीड आएगी तकरीबन वो 22-23 मेगाहर्ट्ज़ इथेरियम के ऊपर जो इनकी स्पीड आएगी, तो हम इसकी बायो मोडिंग को बढ़ाएंगे बाद में। तो पहले मैं इसको ना संभल कर लूँ, ये सारा जितना भी है ना इनको उधर मैं तरतीब से लगा लूँ इस रिग में, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो करता हूँ पॉज, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो साथ में कैमरा पड़ना मुश्किल है, ये मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये कार्ड लगा दिए हैं 6 के 6। तो मैंने इसके साथ राइजर की जो है यूएसबी केबल वो भी लगा दी है, उसके बाद जो हमारी पावर केबल रह गई हैं और हमारी जो पावर सप्लाई इसके साथ अटैच होनी है मदरबोर्ड के साथ वो भी रह गई हैं, तो मैं अभी उनके भी कनेक्शन कर लूँ। और ये मैंने इतना इतना फासला रखा है, आप देख लें। तो अभी मैं पावर सप्लाई लगा लूँ इसमें, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों ये हमारा रिग एक तैयार है RX580 4GB कार्ड के साथ, ये 6 GPU रिग है, आप देख लें। इसकी जो स्पीड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें जी हमारी टोटल जो स्पीड आ रही है 4902 हैशेस पर सेकंड जो हमारी स्पीड आ रही है ETN, मैं इससे माइन कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर आप देख लें कोई इसके साथ मैंने हार्ड डिस्क नहीं लगाई, कुछ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इस USB के थ्रू सिंपल माइनिंग .NET का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से रन हो रहा है। ये इसकी पावर सप्लाई है इधर में रखी हुई, ये सारी इसकी केबलें हैं जो इसके अंदर जो राइजर यूज़ किया गया है वो भी नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है राइजर का। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये वो स्विच है जहाँ से बायो मोड जो इसकी सेटिंग होती है, यहाँ आप देख लें ये वो स्विच है। जी दोस्तों आपने देखा कि हमने आज फिर एक GPU रिग तैयार किया है RX 580 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ, 6 GPU रिग। तो दोस्तों इस तरह आप ख़ुद भी अपना GPU रिग तैयार करना चाहें तो ख़ुद कर सकते हैं, बस ये है कि आप अपने ग्राफिक कार्ड जो हैं और मदरबोर्ड पावर सप्लाई आप बाय कर लें किसी भी अच्छे डीलर से, और उसके बाद आप अपना ख़ुद का GPU रिग तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पर चले आएँ प्ले लिस्ट में, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर है तकरीबन 17 वीडियो हैं, काफ़ी सारी वीडियो हैं इसके अंदर, यहाँ पर आप अगर आपको कोई नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से वीडियोस देख के अपना पूरा GPU रिग जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं अपना नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप इसी तरह वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने यहाँ पर डाली हैं माइनिंग के बारे में और जीपीयू रिग के बारे में, इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं इन वीडियो से। अगर नहीं पता चलता तो फिर भी मैं हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।